कोई तो बोला कि पथराव की फुटेज है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पथराव जो हुआ वो किसी को भी लगे नहीं, ना बापा की मूर्ति को भी नहीं लगा है, तो पत्थर गया कहाँ पे। तो कपिल पाटिल ने तो कुछ वही पुलिस ऑफिसर को गाली गलौज भी किया था, अधिकारियों को भी गाली गलौज किया था, इसके बावजूद भी ये सब इलेक्शन हो या अभी का माहौल हो सब अच्छी तरह से कंट्रोल हुआ था। उसके बाद जो कल रात को डीसीपी साहब का तबादला हो गया, ये बहुत निंदनीय और सबके लिए शर्मनाक बात है, क्योंकि अगर पुलिस पद्मनगर की जो बात हुई जहाँ 100% हिंदू एरिया ही है, तो वहाँ पे जो दुर्घटना घटी, हो सकता है कोई विक्षिप्त आदमी हो जिन्होंने किया रहेगा, तो उसके बाद में किसी एक पार्टी का नारा देना, कोई एक अलग नारा देना, ये गलत बात है ना। देखो भिवंडी में जो भी दुर्घटना हुई, वो फिर गणपति बापा की विसर्जन मिरवणूक की हो या फिर उसके बाद शाम के टाइम पे कम से कम 5 से 6 जो मुस्लिम समाज के युवा थे उनको भी मारा गया, रिक्शा जलाई गई, ऐसी जो भी घटना घटी है वहाँ पे, वो सब घटना निंदनीय है। और ये घटना घटने से पहले भी मैं डीसीपी साहब को मिला था और उसी दिन दोपहर को भी मिला था, आयुक्त साहब भी वहाँ पे थे। ये सभी जो घटनाएं हो रही थी वो सभी इन्फॉर्मेशन मैंने उनको दे दी और फिर उनको बताया भी कि यहाँ पे माहौल कहाँ से ख़राब हो रहा है या ख़राब किया जा रहा है मालूम नहीं, पर आप स्ट्रिक्टली एक्शन लो। ये जब मैंने बोला, फिर उसके बाद जो भी घटना घटी इसके बाद भी भिवंडी में ना दंगा हो पाया ना कुछ भी हो पाया, मतलब इसका पूरा कंट्रोल पुलिस ने किया, जिसने बहुत अच्छी तरह से ये काम किया। आपने देखा होगा 3 महीना 4 महीना पहले भी जो इलेक्शन हुई थी भिवंडी की, उसमें भी आपने देखा होगा कितना माहौल ख़राब हुआ था। सेंटर के मिनिस्टर कपिल पाटिल ने तो कुछ कोई पुलिस ऑफिसर को गाली गलौज भी किया था, अधिकारियों को भी गाली गलौज किया था, इसके बावजूद भी ये सब इलेक्शन हो या अभी का माहौल हो सब अच्छी तरह से कंट्रोल हुआ था। उसके बाद जो कल रात को डीसीपी साहब का तबादला हो गया, ये बहुत निंदनीय और सबके लिए शर्मनाक बात है, क्योंकि अगर पुलिस उनका काम अच्छी तरह से कर रही है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही है, और पूरे देखो भिवंडी आपको मालूम है संवेदनशील जिसको बोला जाता है, तो यहाँ कभी भी भड़का उड़ सकता है और शायद किसी किसी की मंशा भी थी, पर ये पुलिस ने अच्छा काम करके ये सब कंट्रोल किया है, उसके बदले में उनका तबादला किया गया, ये पूरी निंदनीय बात है। पहले तो मैं वहाँ का खासदार होने के कारण मैं सरकार का ही निषेध करता हूँ कि अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं और उनका आप उनको ये सजा दे रहे हो तो ये गलत है। मामा, जिस तरीके से दंगा को होने से उन्हें रोका है, जिससे इसके बाद क्या गृह मंत्री की ये कार्रवाई होना सही है, क्या कुछ आप पत्रकार करके मांग करेंगे कि उनके तबादले को जो किया गया? जरूर जरूर, मैं खुद आज ही पत्र देने वाला हूँ, कमिश्नर साहब को भी देने वाला हूँ, मिनिस्टर मतलब जो होम मिनिस्टर उनको भी देने वाला हूँ, क्योंकि ये गलत ही बात है ना। जिन्होंने भिवंडी में इतना बड़ा इलेक्शन के टाइम पे हो अभी हो इतना अच्छा कंट्रोल किया, तो उनको ये सजा मिलनी गलत बात है। सर, ये डीसीपी का घटना हुई पद्मनगर में, वहीं से सीसी परमपुर का भी डीसीपी को टारगेट किया गया था, उन्होंने साफ कहा था कि मैं भी एक हिंदू हूँ, वहीं से उनको टारगेट किया गया। नहीं देखो, पद्मनगर की जो बात हुई जहाँ 100% हिंदू एरिया ही है, तो वहाँ पे जो दुर्घटना घटी, हो सकता है कोई विक्षिप्त आदमी हो जिन्होंने किया रहेगा, तो उसके बाद में किसी एक पार्टी का नारा देना, कोई एक अलग नारा देना, ये गलत बात है ना। पहले तो पुलिस को अपना काम करने दो, ये पूरी सभी घटनाओं की पुलिस जांच कर रही है, अच्छी तरह से जांच कर रही है, सभी सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं, तो इसमें देखो जो भी जिसने भी ये किया है वो तो गिरफ्त में आने वाला है, ये तो बात पक्की है, पर उनकी जांच पूरी होने से पहले उनका तबादला किया जाता है, तो इसके आगे जाके कोई भी ऑफिसर आया तो इसकी जांच कैसे करेगा, जिसको आप निष्पक्ष बोलते हैं वो जांच कैसे होगी।
वो तो बताओ। तो इसके लिए ये सब जो है ये गलत बात है, इसका तो निषेध भी करता हूँ। और मेरी पूरी मांग रहेगी हमारे पूरे भिवंडी वालों की तरफ से, देखो हम लोग इतने साल भिवंडी में एक साथ रह रहे हैं, पूरे भिवंडी में अमन और शांतता है, कहीं पे कुछ भी दंगा या आपस में कुछ भी नहीं होता है। और ऐसा जरा सा भी कुछ हुआ तो हम सब मिल के वो आपस में बैठ के सॉल्व करते हैं। तो ऐसे जो घटना अभी सब घटी है आप भी देख रहे हो, मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है जो भी घटना होती है जैसे पथराव हुआ या जो भी हुआ, कोई तो बोला कि पथराव की फुटेज है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पथराव जो हुआ वो किसी को भी लगे नहीं, ना बापा की मूर्ति को भी नहीं लगा है, तो पत्थर गया कहाँ पे। तुम्हें समर्थन करता था।